हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? बट मैं ठीक नहीं हूँ क्योंकि बहुत बारिश आ रही है यार। बड़ी मुश्किल से बारिश रुकी थी, कंटिन्यू जनवरी में बारिश हुई, लेकिन दो चार दिन धूप अच्छी आई तो थोड़ा सही था, लेकिन अब फिर दो दिन से बारिश आ रही है, कल से कंटिन्यू बारिश आ रही है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक्चुअली हो जाती है कि मुझे हमारे घर में कपड़े बहुत होते हैं क्योंकि 6 फैमिली है, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरी मदर इन लॉ, और इन लोगों का डेली का नहाना धोना, कपड़े इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं ना, और उसको फिर सुखाने की बड़ी दिक्कत आती है कि यहाँ पे ऐसा भी जगह नहीं है बाहर की अलग से कपड़े सुखा दें, तो उससे बड़ी प्रॉब्लम आती है। एक दिन चलो चल जाता है, लेकिन दो दिन बहुत दिक्कत आ जाती है। और आज भी कंटिन्यू बारिश आ रही है जैसे मैंने दिखाया आपको, पर क्या करें, अब वही है, भगवान देता नहीं देता नहीं देता है, छप्पड़ मार के देता है, वही वाला हाल है कि पहले बारिश आई नहीं और अब इतनी बारिश आ रही है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। चलो अब क्या करें, करना तो पड़ेगा ही। क्या करे तुम लोग? गुड मॉर्निंग बोलो। जजे कर लिया? बहुत ठंड हो रही है। बहुत ठंड हो रही है ना, वो हो रहा है। फ्रेंड्स, मैं आज ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ पास्ता। और एक्चुअली पास्ता पता क्यों बना रही हूँ? तो एक्चुअली पास्ता बना रही हूँ इसलिए क्योंकि दो दिन हो गए हैं कंटिन्यू कि हम लोग ना तो बाहर गए हैं और ना तो कोई सब्जी वाला आया है, तो हमारे घर में कोई सब्जी नहीं है फिलहाल, बिल्कुल भी नहीं, एक सब्जी भी नहीं है। और फिर मेरे का ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊँ, अब सुबह सुबह भी दाल अच्छी नहीं लगती, तो फिर याद आया कि चलो पास्ता का पैकेट तो है कि चलो पास्ता बनाते हैं। बट आज मैं पास्ता बनाऊँगी बिल्कुल सिंपल तरीके से, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, क्योंकि सब्जियाँ कुछ है नहीं तो एक्स्ट्रा डल ही गया। सिर्फ बना रही हूँ टमाटर और प्याज के साथ, आई होप बच्चों को अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर चलते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ ये पास्ता। सो गाइस, ये रहा हमारा पास्ता। और सबसे पहले हम पास्ता को बनाने से पहले इसको हम करेंगे बॉयल। और यहाँ पे रख दी है मैंने पानी गरम, और अब हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा नमक। ये देखिए हमने नमक ऐड कर दिया है इसमें, और अब हम इसमें डाल रहे हैं अपनी ये जो हमारा पास्ता है ये डाल रहे हैं। अब हमको इसे थोड़ी देर के लिए बॉयल करना है, और हमने जो फ्लेम है वो हाई कर दी है। तो ये देखिए हमारे जो पास्ता है वो बिल्कुल बॉयल हो गए हैं, और ये देखिए इनका टेक्सचर कुछ इस तरह से है, तो ये अब बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो हमारे पास्ता जो बिल्कुल बॉयल हो गए हैं, और अब हमने इसका पानी भी निकाल लिया है, और हम इसको अब एक बार ठंडे पानी में ज़रूर भिगाएंगे ताकि जो पास्ता है वापस में चिपके ना। तो गाइस, ऑयल हमारा देखिए बिल्कुल गर्म हो गया है, और मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा ज़ीरा। और जैसे कि हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डाल रहे हैं, तो सबसे पहले हम इसमें ज़ीरा के बाद डालेंगे ये देखिए लहसुन और अदरक की कुछ कलियाँ। देखिए जैसे हमारे ये लहसुन और अदरक हल्के से ब्राउन हो गए हैं, उसके बाद हम डाल रहे हैं इसमें प्याज के टुकड़े, कटा हुआ प्याज। साथ में डाल रहे हैं ये देखिए हरी मिर्ची। तो हरी मिर्ची मैं सिर्फ एक ही डाल रही हूँ क्योंकि मेरे छोटे बच्चे हैं तो वो नहीं खाते हैं मिर्ची, इसलिए सिर्फ एक डाल रही हूँ। और इसको हमें तब तक पकाना है, सिर्फ लाइट ब्राउन करना है, हमें इसको ज़्यादा नहीं करना है, हल्का सा लाइट ब्राउन पर करना है बस। गाइस, ये हमारे जो प्याज है ये लाइट ब्राउन हो गए हैं, अब हम इसमें डाल रहे हैं टमाटर। हमने डाल दिया है इसमें नमक, और डाली है थोड़ी सी मिर्ची, ज़्यादा बच्चे खाते नहीं हैं। और अब हम डाल रहे हैं इसमें ये पास्ता, और इसको हम बहुत ही हल्के हल्के हाथ से चलाएंगे। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं ये चिली सॉस। हम ऐड कर रहे हैं इसमें थोड़ा सा अजीब टमाटर। तो गाइस, ये देखिए ये हमारा पास्ता हो गया है बिल्कुल रेडी, बस अब इसको सर्व करना है और देना है बच्चों को। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी। हाँ जी, कैसा लगा पास्ता? हाँ, बढ़िया बढ़िया लगा, मैंने आपको सिंपल तरीके से बनाया, टेस्ट ठीक लगा। सो हेलो, गुड आफ्टरनून गाइस। तो ब्रेकफास्ट हमारा सारा हो गया था, आपने देखा था हमने एक बढ़िया सा पास्ता बना के खाया था। बट उसके बाद ऐसा हुआ कि अचानक ही हमारा मूड कुछ कर गया, तो जैसे कि आप मुझे देख रहे हो रेडी, तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ, और हम लोग कहीं जा रहे हैं गाइस। तो हमारा प्लानिंग ही अचानक बना, तो कंटिन्यू विद माय ब्लॉग, और चलिए आप लोग भी मेरे साथ घूम कर आइए। हेलो गाइस,
आज देखिए मौसम कैसे क्लाउडली है, बट हम आज आपको सरप्राइज देने वाले हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। अभी नहीं बताएंगे लोकेशन, जब जाएंगे तब आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में द एंजल मॉम सोनिया। ओके गाइस बाय। और मेरी मम्मी को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल करना, शेयर करना, कमेंट करना, सरप्राइज करना। सरप्राइज मुझे मैंने चैनल चैनल घूमने के वो बस फोन तो करो लग रही है। तो किस किस को मम्मी अच्छी लग रही है जरूर बताना। मम्मी इतना अच्छा कोट डाला है और बहुत अच्छा लग रहा है मम्मी। और ये कैसे लग रहे हैं इनको ही बता देना। तो गाइज हम लोग जा रहे थे सीधा ही, और बट अब हम आए हैं हॉस्पिटल और हम लोग को हॉस्पिटल एक इमरजेंसी में आना पड़ा। हम लोग तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम लोग जब आ रहे थे तो रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हुआ था, देखा था हमने, और कोई बाइक में से गिर गया था। तो सब लोग वहाँ पे खड़े थे ऐसे ही देख रहे थे और ये हैरानी हुई। बट मेरे हस्बैंड बहुत ही नाइस पर्सन है, उन्होंने फटाफट उनको लिया और एक दूसरी गाड़ी में, क्योंकि हमारी गाड़ी फुल है, और तो किसी दूसरी की हेल्प ली और साथ में किसी दूसरी गाड़ी में उस इंसान को डाल के हम लोग हॉस्पिटल आए हैं। और उसके रिश्तेदारों को भी फ़ोन कर दिया है। आई होप सब लोग आ जाएंगे और वो जल्दी से ठीक हो जाएं। तो जैसे ही यहाँ पे थोड़ा सा एडमिट होता है उसके बाद हम लोग फिर जाते हैं जहाँ पे हमने जाना है वहाँ जाते हैं, बट थोड़ा सा यहाँ का प्रोसेस हो जाए फिर जाते हैं। तो गाइज यहाँ से मेरी सीट हो गई है चेंज, मैं गई हूँ पीछे और यहाँ से ज्वाइन कर लिया है मेरे भाई ने भी। हाय वासु। हेलो। मेरे भाई ने ज्वाइन कर लिया है और अब हम सब यहाँ से जा रहे हैं घूमने के लिए। ये दोनों बिना साल आगे बैठ गए हैं। आओ चली गई अपने मामा के पास और अब हम चलते हैं। I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move so on guys, each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Dekhiye guys, snowfall kitna zyada ho raha hai. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. ये देखिए गाइस, और हम लोग तो अभी रास्ते में ही हैं। ऐसा भी नहीं कि हम लोग अभी जहाँ पे जाना था हम वहाँ तो हम अभी पहुँचे भी नहीं हैं जहाँ हमें स्नो देखने के लिए जाना था। और हम लोग हैं अभी रास्ते में ही और हमको होप नहीं थी कि हमको इतनी जल्दी नज़दीकी बर्फ मिल जाएगी। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, मेरे हाथ बहुत ज़्यादा कांप रहे हैं। तो गाइस जहाँ पर हम लोग जा रहे थे वहाँ से अब हमने ये देखिए, जैसे कि आप देख रहे हो वैसे तो बर्फ यहाँ पर भी बहुत ज्यादा है, ये देखिए आप देख सकते हो। मम्मी खिड़की बंद करवा रहा। यहाँ से जहाँ हमें जाना है वो कितना किलोमीटर है? I think 40 किलोमीटर। तो 40 किलोमीटर यहाँ से और है और यहाँ देखिए काफी अच्छा है। उसके बाद भी हम लोग जा रहे हैं कि हमको वहीं पर ही जाना है, हमारी एक्चुअल डेस्टिनेशन तो वहीं पर ही है। तो हम लोग ने वहीं पर ही जाना है तो हम वहीं पर ही जा रहे हैं। हमने यहाँ पर देख लिया, थोड़ा सा एंजॉय भी कर लिया, बस हम चल रहे हैं। जो हमारी बार बार बोलते थे कि बर्फ देखने चलो, तो आज वो सपना शायद पूरा देखिए, नजारा देखिए, व्यू देखिए, व्यू देखिए गाइस। आप लोग मेरे साथ दूर रहकर भी व्यूज का आनंद ले सकते हैं, ये देखिए। और मैं आपको दिखाती हूँ पहाड़ों में कितनी अच्छी बर्फ पड़ रही है ऊपर ऊपर जो है। ये तो बिल्कुल रोड हेड पे ये देखिए, रोड के साथ में ही है। तो गाइस ये देखिए यहाँ का व्यू, यहाँ पे कितना ज्यादा स्नोफॉल हो रखा है, बट अभी तो नहीं हुआ है, ये थोड़ी देर पहले का है, अभी तो स्नोफॉल नहीं हो रहा है। और गाइस आप लोग देख सकते हैं, देखिए
रोड हेड पे कितना अच्छा लग रहा है, पूरा चारों तरफ ऐसा हो रहा है कि पूरी सफेद चादर बिछी हो, इस तरह से फील हो रहा है। और ये बर्फ की चादर पूरी पहाड़ों में बिछी हुई है। ये देखिए सिर्फ रोड है, जो रोड वो शायद गाड़ी चल की रोड बिल्कुल क्लीन है, बट आप इधर से देख सकते हो कि चारों तरफ वाइट ही वाइट है, सिर्फ सफेद रंग दिखाई देगा आपको यहाँ पर और इसके अलावा और कुछ नहीं। I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. तो ये देखिए गाइस, ये वाला जो एरिया है हमारे घर से सिर्फ 30-40 किलोमीटर ही दूर है। और एक्चुअली यहाँ पे स्नोफॉल इतना होता नहीं है, बहुत सालों में होता है, कई बार ही होता है, एक या दो बार होता है मुश्किल से, बट इतना ज्यादा नहीं होता है। बट इस बार देखो ना आप कि जो स्नो शिमला में पड़ती है उससे भी मतलब ऐसी स्नो यहाँ पे पड़ रही है। देखिए आप, ओह माय गॉड, चारों तरफ स्नो ही स्नो है। ये देखिए गाइस, ये देखिए, आई होप मेरे साथ साथ आप लोगों को भी बहुत मजा आ रहा होगा जैसे आप लोग देख रहे हो। So enjoy with the snow. तो गाइस हम लोग यहाँ पे अब रास्ते में कहीं रुके हैं, तो सोच रहे हैं क्यों ना चाय पी ले, थोड़ा सा ठंड बहुत ज्यादा लग रही है, मेरे तो हाथ भी कांप रहे हैं। बर्फ देखने में तो अच्छा लगता है बट ठंड बहुत ज्यादा होती है। देखिए रोड के साइड साइड में कैसी स्नो हो रही है, बस हम चाय पीते हैं गर्म गर्म सी। हाँ बस फटाफट से चाय पीते हैं क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा लग रही है। तो गाइज हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच गए हैं। और हम लोग कहाँ आए हैं, हम लोग आए हैं सोलन। तो सोलन है शिमला से थोड़ा सा पीछे है, आई थिंक 50 किलोमीटर कुछ पीछे है, यहाँ से शिमला 50 किलोमीटर है। तो हम लोग आए हैं स्नोफॉल देखने के लिए आए थे, बट एक्चुअली ऐसा हुआ कि अभी स्नोफॉल नहीं हो रहा है। और जब हम रास्ते में आते थे, रास्ते में ऐसे मैंने आपको दिखाया कि बहुत सारी बर्फ़ पड़ रही है। तो पहले हमारा प्रोग्राम था कि हम लोग होटल में कहीं रुकेंगे, बट हम यहाँ पर हमारी एक ताई जी भी हैं, मेरे हस्बैंड की ताई जी, तो हम ताई जी के घर पर आए हैं। और यहाँ देखिए गाइस, यहाँ पे जितनी भी बाइक्स हैं, आई थिंक एक बाइक स्टैंड है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए बाइक्स पूरे बर्फ़ से ढके हुए हैं, अरे क्या अनुभव, मस्ती कर रहे हैं, ऐसे नहीं मारना उसको, करो उसको। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम ताई जी के घर में रुकेंगे आज की नाइट। और सुबह अगर हमारा प्लान होता है कहीं जाने का तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो फिर सीधा घर जाएंगे। तो गाइज हम लोग आ गए हैं यहाँ पे ताई जी के घर में। तो ये है मेरी ताई जी, ठीक है माँ, हेलो कर दो, हेलो। तो गाइज ये मेरी ताई जी है, मेरी ताई सास, बट एक्चुअली सिर्फ बोलने के लिए ताई सास है, एक्चुअली है नहीं। तो हमारा बॉन्ड सिर्फ ऐसे होता है, मतलब हम लोगों को बोलते हैं कि लड़की की तरह, ऐसे सास बहू वाला रिलेशनशिप बिल्कुल भी नहीं है। तो जैसे हम लोग बेटियाँ होती है वैसे ही है। और अभी हम लोग मिलकर बना रहे हैं यहाँ पे खाना, और ताई जी ने बनाया है पालक पनीर और चिकन, और हम रोटी बना रहे हैं। तो गाइज जब हम पहले यहाँ पे आते थे ना, मैं बहुत सालों के बाद आई यहाँ पर, आई थिंक कितना शायद कत साल भी दो साल पूर्ण रानी को ब्याह दो साल, हाँ दो साल के बाद हम लोग आए, जब मेरी ननद की शादी तब हम लोग आए थे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए। तो पहले जब मैं आती थी, उससे पहले मैं यहाँ पे जब सपाटू भी थी तब यहाँ पे आती थी, तो ताई जी हमेशा मेरे लिए मैक्रोनी बना के रखती थी। तो मैं फोन करती थी कि ताई जी हमने आना है, और ताई जी हमारे लिए मैक्रोनी बना के रखते थे, तो हम लोग बहुत अच्छे से खाते थे, इंजॉय करते थे। बट उसके बाद जब हम लोग घर आ गए तो फिर आने का टाइम ही नहीं मिलता था। और आज स्नो के बहाने, बर्फ के बहाने कम से कम आए तो सही इतने साल बाद। तो अब भी हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, और रात को हम यहीं पर स्टे करेंगे, और सुबह का देखते हैं फिर क्या होता है कि आगे पता नहीं हम जाते हैं या फिर यहीं से वापस जाएंगे, अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है। तो जैसा भी होगा तो मैं आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, आज का व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। तो अगर आप लोग को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को बोल दीजिए वहाँ लाइक करना, बोल लाइक करना मेरी वीडियो को, प्लीज लाइक करना जी, और बोल दो सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब भी करना तो सब्सक्राइब भी कर देना जो नए हैं चैनल पे, और वीडियो को लाइक भी कर देना। और फिर कल मिलते हैं, और तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।